चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर आखिर चांद के सतह पर ठीक कहां पर उतरेगा और क्यों ठीक उसी जगह का चयन किया गया है, हम जानेंगे। फिलहाल कोलकाता के BITM में हूं और हमारे साथ तरुण कुमार दास, जो कि यहां पर टेक्निकल एडवाइजर साथ ही साथ शिक्षक भी हैं, इनसे जानेंगे कि ठीक ये जो विक्रम लैंडर है दादा, ये चांद अगर इसे मान ले, चांद की सतह मान ले, तो ठीक कहाँ उतरेगा और क्यों, ये हमें एक्सप्लेन करिए। ये हमारा ये जो मून है राइट, करीबन 3400 किलोमीटर इसका डायमीटर है, अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं। तो ये क्या है कि अगर मैं इसका ये इक्वेटर मान लूं तो वहां से साउथ पोल जाएंगे राइट। तो ये साउथ पोल मतलब एक्चुअली जो होगा, जितना जानकारी हम लोगों को है कि 650 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ मोस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट से वो 650 किलोमीटर तक ये पोजीशन में वो साउथ पोल के आसपास उतरेंगे, साउथ पोल में ही उतरेंगे। लेकिन एकदम ऊपर से नीचे अगर मैं पॉइंट ले लूं वहां से करीबन 650 किलोमीटर दूरी में, तो इसी जगह में उतर के हमारा मेन टारगेट क्या है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग जो 2019 में हम लोग बहुत कोशिश किया था, थोड़ा सा विभ्राट हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद भरपूर है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग सक्सेसफुली करेंगे और हमारा जो ये विक्रम जो लैंड करेगा, विक्रम को साथ जो हमारा 6-व्हील्ड रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान, वो प्रज्ञान वहां से उतरेगा और ऑनसाइट जो काम है वो करेंगे। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को रोविंग कराना, ये हमारा वन ऑफ द मेन टारगेट्स है जो कि हम लोग उस साउथ पोल में, और वही जगह है जो दूसरा कोई कंट्री अभी तक भेजा नहीं। तो हमारा उम्मीद भरपूर है, जो भी हम लोग रशिया के बारे में हम लोग सुन रहे हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेगा, लेकिन इंडिया की जो कैलकुलेशन है इसरो की, जो हमारा शेड्यूल है उसी के अनुसार अगर हम चले तो हम जरूर उसमें लैंड करेंगे, डिसेंड करेंगे। बोलो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चांद की सतह आपने कहा 3400 का किलोमीटर का ये हुआ डायमीटर हुआ, अब उसमें हम ठीक यहाँ पर 650 किलोमीटर दूर क्यों साउथ पोल से लैंड कर रहे हैं। बात ये है कि देखिए, हमारा तो उसी जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पे हम जब उतरेगा उसी समय सनलाइट गिरे। हमारा 14 दिन मतलब देखिए, हमारा पृथ्वी का एक दिन मतलब मून का एक दिन मतलब पृथ्वी का 14 दिन है। तो इस 14 दिन अगर हमको सनलाइट तो मिलना चाहिए ना, हमको वही पोजीशन लेना चाहिए जिसमें हमको वही सब कुछ एकदम अनुकूल रहना चाहिए, एकदम जैसे हम लोगों का एकदम ठीक ठाक रहे, जैसे कि हमारा सोलर पैनल भी ठीक ठाक काम करे। इसीलिए जो विक्रम लैंडर है उसमें सोलर पैनल है और वो सोलर पैनल काम करता रहे, इसीलिए चयन इस ठीक जगह का इसलिए हुआ है कि वहीं पर सूरज की रोशनी सबसे पहले गिरती है। बहुत सारे रीजन है, इसीलिए हम लोग वही जगह चुन लिया है। देखिए, ये जगह में लैंड करना कोई आसान बात नहीं है, इसीलिए देखिए हम लोग इंडिया ये पहले बार कर रहे हैं, रूसी जगह सिर्फ लैंड ही नहीं कर रहा, रोविंग करना ये भी एक तो चैलेंज है हम लोगों की। शायद इस बार उम्मीद भरपूर है कि वो लोग हम कर पाएंगे। और क्या क्या कारण है, जैसे कि आप बता रहे थे कि आइस की बात हो रही थी कि वहां पर ये बात है कि जब हम लोग मून इम्पैक्ट प्रोब MIP जब मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान 1 में जब हम लोग किए थे तो उसमें हम लोग सबसे पहले पृथ्वीवासी को बोला दिया था, देखो भाई यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म है हमारा, इसमें ये है कि जिसको बोलते हैं पानी है राइट। तो ये पानी जो है इसका तो सबूत मिल गया था, लेकिन पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है राइट, वो आइस फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ऐसा ऐसा क्रेटर है ना जहां पे टेम्परेचर -172 तक भी आया है, तो उसी जगह में ऐसा भी कुछ है जो हम लोगों को पता नहीं है। तो अभी जानकारी यह है कि हाँ, अगर ये सब ऐसा हमारा मून मिशन होते रहे, हो सकते हैं कि ऐसा पानी का कोई बहुत भंडार हम लोग को मिल जाए, कोई स्टोरेज मिल जाए। ऐसा भी होता है कि Helium-3 जो एक हीलियम जो आपको एलिमेंट है उसका एक तो आइसोटोप है, वो ऐसा है ना कि उसमें अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उसको रिएक्शन करके हमारा एनर्जी हम लोग पैदा करें तो उसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है। जो रेडिएशन के लिए वेस्ट होते हैं वो भी तो खतरनाक होती है ना, Helium-3 लेकिन इसके लिए बहुत काफी अच्छा है। तो इसको भी अगर ऐसा मिशन जारी रहे तो अगर उसका भी संधान हम लोग को मिल जाए, वो अनुसंधान भी हम लोग कर सकते हैं इससे। यही सब उम्मीद है कि हमारा मून मिशन जैसा मून मिशन हम लोगों को ऐसा लेवल पे पहुंच देगा हमारे इंडिया को, जो सच्ची में गर्व की बात है। और इसीलिए ये 23 अगस्त हम लोगों के लिए एक गर्व के दिन है, सारा दुनिया को हम लोग दिखा सकते हैं कि यस वी इंडियन कैन डू। बिल्कुल, तो यही कारण है कि चांद की सतह पर ठीक साउथ पोल के नजदीक विक्रम लैंडर उतरने की कोशिश करेगा।